प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अगुवाई में एनडीए ने अपना कुनबा तो बढ़ा लिया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इन सबको एडजस्ट करना और मन मुताबिक सीटें देना भारी पड़ रहा है। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी में तो एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, सीटें भी बढ़ गई है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन इसमें बुरी तरह उलझ गए हैं। क्या है दोनों गठबंधनों के सामने चुनौतियां, आइए आपको सियासी नुक्ता विद मुक्ता में बताते हैं। सीट शेयरिंग के चक्कर में कहीं गांठ न पड़ जाए, कहीं रार न ठन जाए। महाराष्ट्र लोकसभा सीटें 48 हैं, बिहार लोकसभा सीटें 40। देश के इन दो राज्यों में लोकसभा की 88 सीटें हैं, लेकिन दावेदार कितने हैं क्या आप जानते हैं? आइए हम आपको बता देते हैं। दोनों राज्यों के एक एक गठबंधन में आधा दर्जन दिग्गज पार्टियां हैं, यानी इन दो राज्यों में दर्जन भर पार्टियां चुनाव में जोर आजमाने के लिए रस्साकसी कर रही हैं। सभी को सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। महाराष्ट्र में एनडीए की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को भी सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। एनसीपी के अजीत पवार भी 10-12 सीटें मांग रहे हैं, तो रामदास अठावले की पार्टी को भी 2-3 सीटें चाहिए। तो हो गई ना मुश्किल। बीजेपी अगर अपने कोटे से इन सभी को मन मुताबिक सीटें दे देगी तो फिर वो खुद क्या तमाशा देखेगी। भाई अब की बार 400 पार भी तो पार करना है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का तमगा भी लटकाए रखना है। महाराष्ट्र में इसी दांवपेच को सुलझाने की कई दिन से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अमित शाह ने खुद मुंबई का रुख किया और एनडीए के साथियों को मनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए शनिवार को 195 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, लेकिन इसमें महाराष्ट्र की एक भी सीट शामिल नहीं है। और इसकी बड़ी वजह है कि शिंदे वाली शिवसेना बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बन पा रही है। शिंदे वाली शिवसेना कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी उसे उतनी सीटें देना नहीं चाहती। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेताओं के तेवरों से बीजेपी मुश्किल में है। बात तो यहाँ तक बिगड़ रही है कि शिंदे के कई करीबी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सबको मार कर जिंदा रहना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब पूरा दारोमदार अमित शाह पर है कि वो कैसे बीच का रास्ता निकालते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग का मुद्दा जहाँ एनडीए में बुरी तरह फंसा हुआ है, उसी तरह अभी तक महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के घटक दलों में भी अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। एमवीए में भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार के लिए ये करीब करीब आखिरी चुनाव है। भतीजे की बगावत से चोट खाए शरद पवार लोकसभा चुनाव में दम दिखाना चाहते हैं। शरद पवार राज्य भर में घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी का उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से गठबंधन है, जिसे महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए कहा जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी और तब शिवसेना ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। अब इस बार भी उद्धव ठाकरे 18 से कम सीटों पर मानने वाले नहीं है। शरद पवार को अपनी साख बचानी है, भतीजे को सबक सिखाना है और गठबंधन की लाज भी बनाए रखनी है। अब तो इस गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी भी शामिल होने वाली है, उसको भी एडजस्ट करना है। विपक्ष में इंडिया गठबंधन की नैया पार लगाने और घटक दलों को उनकी जिताऊ क्षमता के मुताबिक सीटें देने का जिम्मा शरद पवार के बुजुर्ग कंधों पर है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की खींचतान आपने देख ली, लेकिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा सियासी नुक्ताचीनी हो रही है बिहार में। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इनके दावेदार हैं दोनों गठबंधन के दर्जन भर से ज्यादा दल। वैसे भी बिहार चाणक्य की भूमि है, यहाँ कई दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। सभी अंदर खाने अपनी अपनी ताकत दिखाने और चाणक्य वाली चाले चल रहे हैं, जिनसे बीजेपी के चाणक्य भी मुश्किल में बताए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। 3 मार्च को पटना में हुई जन विश्वास रैली के बाद तेजस्वी यादव और कांग्रेस गदगद है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ी हुई है। बिहार में तेजस्वी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो आ गए, लेकिन अब खबर है कि बीजेपी उन्हें मनचाही सीटें नहीं दे रही है। इससे नीतीश चाचा भिन्नाए हुए हैं। ऊपर से चिराग पासवान ने नई मुश्किल पैदा कर दी है। चिराग पासवान को मोदी और अमित शाह की टीम एनडीए में रखना चाहती है,
लेकिन बताते हैं कि नीतीश इसके लिए राजी नहीं है। दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार सार्वजनिक मंच पर सराहा है। चिराग भी कहते हैं कि मोदी उनके लिए पिता तुल्य हैं, जबकि नीतीश वो टीस भूल नहीं पा रहे हैं जब बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में वो चिराग की वजह से 44 सीटों पर ही सिमट गए थे। चिराग पासवान की अगर एनडीए में उपेक्षा होती है और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मनचाही सीटें नहीं मिलती हैं, तो बिहार में बीजेपी के लिए नया सरदर्द खड़ा होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को खुला ऑफर दे दिया है कि इस तरफ आइए और जितनी सीटें मांगेंगे उतने पर चुनाव लड़िए। अब नीतीश के एनडीए में रहते तो बीजेपी चिराग को ऐसा ऑफर देने से रही। चिराग के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में सीट शेयरिंग पर नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और एनडीए में 6 दल शामिल हैं। इनमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। मंथन इस बात पर हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीट आएगी। एक महीने पहले तक तो इसका फॉर्मूला लगभग लगभग निकल गया था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए तो सीट बंटवारे का पेच फिर से उलझ गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब रामविलास पासवान भी हुआ करते थे, उनकी पार्टी को 6 सीट दी गई थी। एनडीए की तीनों ही पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि यहां आ तो गए हैं, लेकिन आगे की सियासी राह आसान नहीं है। वैसे भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद नीतीश की राजनीति खत्म है। ये तो अब नेता ही जाने किसकी सियासत खत्म और किसकी शुरू, लेकिन किसको क्या मिला ये कहीं मुकद्दर की ही बात होकर न रह जाए। बिहार और महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के बीच फंसा सीट बंटवारे का पेच कैसे सुलझता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सियासी नुक्ताविद मुक्ता में इस पर हम आगे भी नुक्ताचीनी करेंगे। हमारी इस रिपोर्ट पर आप लोग भी नुक्ताचीनी करते रहिए, अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाते रहिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।